नाबालिग से रेप मामले में आखिरकार आसाराम को अपनी करनी का फल मिल गया। आसाराम को ताउम्र जेल में ही गुजारनी होगी। जोधपुर की कोर्ट ने बुधवार को आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं शिल्पी और शरद को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि कोर्ट ने दो अन्य आरोपी प्रकाश और शिवा को बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद आसाराम के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वकीलों का आरोप था कि कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के दबाव में फैसला दिया है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करते हुए यूजीसी ने बुधवार को प्रवेश नहीं लेने का अलर्ट जारी किया है। इस सूची में बिहार के एक और उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालय शामिल हैं। बता दें कि विश्वविद्यालयों के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। यूजीसी की सूची से अब छात्र इन फर्जी विश्वविद्यालयों के झांसे में आने से बच जाएंगे। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर बुधवार को दाखिल याचिका के जवाब में केंद्र ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लेकिन उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं दे सकते। चुनाव सुधार को लेकर सारे फैसले करने का अधिकार केवल संसद के पास है और ये पॉलिसी का मामला है जो कार्यपालिका के पास है। मामले की सुनवाई अब अगली तारीख को होगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट अप्रैल माह के अंतिम तारीख तक जारी कर दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के परीक्षा के परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। प्रदेश आदिवासी कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके और विधायक अशोक कुमार डहरिया ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के संबंध में जो फैसला दिया है उसके लिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि एटीसीटी विशेष अधिनियम है जिसे अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध हो रहे शोषण व अत्याचार के मामलों में त्वरित व कठोर कार्यवाही की दृष्टि से लागू किया गया है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. CLIPPER28.